हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ एक मेकअप की वीडियो शेयर करूंगी। ये मेकअप आप रक्षाबंधन या ईद पे भी कर सकते हैं, या आप किसी शादी पार्टी जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे आप ये मेकअप लुक कर सकते हैं। और आज मैंने आई मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट नेम में किया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने कैसे मेकअप किया है। सबसे पहले मैं मेरे क्लीन फेस पे टोनर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने एल्फ गुडनेस का ग्रीन टी टोनर यूज़ किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगाऊँगी। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन फिटमी की फाउंडेशन ली है, और डॉट डॉट करके उसको मैं मेरे पूरे फेस पर लगा लूँगी। एंड उसके बाद मैं मेरी फिंगर्स की हेल्प से ही इसको ब्लेंड करूँगी, आप देख सकते हैं टैप टैप करके। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बाद में ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ किया था, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर के बिना अच्छा फिनिश नहीं आता है। उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर भी मैंने मेबलिन फिटमी का ही लिया है। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वो यूज़ करें, आपके पास जो प्रोडक्ट है जो आपको सूट करते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि अच्छे होने चाहिए। मेबलिन फिटमी है जो वो समर्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। एंड इसको भी हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। ये दोनों ही फाउंडेशन कंसीलर समर्स के लिए बेस्ट हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ करें। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लूज पाउडर का यूज़ करूँगी इसको सेट करने के लिए। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप कमबैक पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट लूज पाउडर थोड़ा सा अच्छा रहता है समर में। बट कोई बात नहीं अगर आपके पास नहीं है तो। एंड उसके बाद मैं मेरे फेस पे इसको लगा रहने दूंगी, तब तक मैं मेरी आईब्रोज को फिल कर लूँगी एक पेंसिल की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया, मैंने आज आई मेकअप क्यूपिड से किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइट शेड लूँगी यहाँ पे, और इसको मैं मेरी आईज पे लगाऊंगी। थोड़ा सा क्रीज में लगाते हुए मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्यूपिड से ही, देख सकते हैं आप। इसको हम ब्लेंड करते रहेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर लूँगी और उसको मैं मेरी क्रीज में लगाऊंगी, और उसको भी मैं ब्लेंड करती रहूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है हमें ताकि आई मेकअप ब्लेंडेड लगे। अगर आपके पास ब्रशेज नहीं हो तो आप ऐसे आई मेकअप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है, और उसको मैं मेरी ओनली आउटर वी पे लगा के, आउटर वी से लेके मैं उसको अंदर तक लेके जाऊंगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज कर रही हूँ मेरी फिंगर से ही, क्योंकि क्यूपिड से कट क्रीज अच्छे से नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने मेरी फिंगर की हेल्प से यहाँ पे कट क्रीज की है। जैसा भी हुआ, मतलब इतनी अच्छे से नहीं हुई बट फिर भी ठीक ठाक हो गई। अगर आपके पास ब्रश नहीं हो तो आप ऐसे आई मेकअप कर सकते हैं, वरना आप तो ब्रश खरीद ही लो, इतने महंगे भी नहीं आते हैं। एंड उसके बाद मैं एक बारी और थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके उसको क्रीज में ही इसको लगा लूँगी थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का कलर लेके मैं मेरी फिंगर की हेल्प से इसको लगाऊँगी, ये थोड़ा शिमरी कलर है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्टिक वर्की का
गोल्डन लाइनर लिया है, उसको मैं मेरी क्रीज में लगाऊंगी जहाँ पे मैंने कट क्रीज बनाई थी, और मैं इसको इनर कॉर्नर से मिड आईलेट तक ही लगाऊंगी। मैं ज़्यादा इसको आउटर तक नहीं लेके जाऊंगी, देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ करूंगी, विंग लाइनर। आईलाइनर के लिए मैंने एन वाई वे का आईलाइनर लिया है, देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद मैं मेरी लैश को कर्ल कर लूँगी यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, उसी पैलेट से ग्रीन कलर लिया है, उसको मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा काजल लिया है, वो मैं ओनली आउटर वी पे ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसको भी मैं क्यूटिप की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वाइट काजल लगाऊंगी, थोड़ा सा आईज को बड़ा बड़ा लुक देने के लिए। एंड उसके बाद मैं जो ये पाउडर लगा है उसको मैं रिमूव कर लूँगी एक स्पंज की हेल्प से। एंड उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं मेरे फेस पे कंट्रोल करूँगी। ब्रॉन्जर के लिए मैंने यहाँ पे सिवाना पैलेट का ब्रॉन्जर लिया है, उसमें ब्रॉन्जर भी है, साथ में आपको ब्लश भी मिल जाता है और हाइलाइटर भी मिल जाता है, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं वो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगाऊंगी। साथ में ही मैं मेरी ब्रा बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं मेरे फेस को मेरी लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी लिपस्टिक के लिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक को मिक्स एंड मैच करके लगाया है, पिंक और न्यू शेड को लगाया है। एंड मेकअप डन। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेकअप लुक? अगर आपको आज का ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।